नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। आगरा शहर के मुक्ति साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए आगरा के जिला अधिकारी प्रभु एन सिंह से किया आग्रह। आगरा शहर मुक्ति साहब का कहना है कि चुनावी रैलियों में, मेले तमाशों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाह वहां नहीं जाती। मैज मस्जिदों को ही निशाना बनाया जाता है। साल में एक महीना अदा की जाने वाली रस्म तरावी की नवाज पिछली साल भी मुसलमान अदा नहीं कर पाए थे और इस साल भी रमजान की शुरुआत से पहले ही पाबंदी लगा दी गई। सारे मसले को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के मौलाना एवं जनता ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा, जिसमें कम से कम 100 लोगों की मस्जिद में एक बार में नमाज अदा करने की मांग की गई। मीडिया 100 न्यूज आगरा से ब्रज मोहन निगम की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर साहब, आप क्या हैं जी? मतलब किसी मस्जिद में? नहीं नहीं, मैं धोली खार का रहने वाला हूँ। क्या ज्ञापन आप लोग देने आए? ये ज्ञापन ये है कि हमारे कल शहर मुफ्ती साहब आगरा मजदुल कुद्दूस खुबैब रूमी ने एक ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को एक तहरीर दी थी नमाज, पंचगाना नमाज के मुतालिक, और जो हमारी मखसूस इबादत होती है रमज़ान में तरावी, उसके मुतालिक। उसमें जनाब मुफ्ती साहब ने लिखा है, जनाब आली गुजारिश ये है कि हमारे दीन इस्लाम का मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक 12 या 13 अप्रैल 2021 की रात से शुरू हो रहा है। इस महीने में मुसलमान रात में नमाज तरावी और कुरान मजीद पढ़ने और दिन में रोज़ा रखने का ख़ास तौर पर अहतमाम करते हैं और रोज़ाना के आम मामूल के मुताबिक पंच वक्ता नमाज़ें मस्जिदों में अदा करते हैं। बाज़ ज़राए अबलाग के ज़रिए ये मालूम हुआ है कि यूपी की मौजूदा हुकूमत ने इबादत गाहों में 5 अफराद से ज़्यादा लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद करने की हिदायत की है, बज़ाहिर जिसकी जद में रमज़ानुल मुबारक की अमूमन नमाज पंचगाना और खुसूसन नमाज तरावी पर पड़ेगी। हालांकि ये तजवीज़ दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे मुल्क के दस्तूर में यहाँ के बाशिंदों को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। मौजूदा हालात में सिर्फ इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि शहर की लोकल बसें भरी पड़ी चल रही हैं, ट्रेनों में और बाज़ारों में भी लोगों का हुजूम है। इलेक्शन, रेलवे, कुंभ मेलों और दीगर जगहों पर भी कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज ही के अखबार में ये भी आया है अमर उजाला में कि कुंभ मेले में और इसी तरीके से स्नान जहाँ हो रहा है शाही स्नान, वहाँ पर 20 लाख लोग मौजूद हैं, क्या वहाँ पर कोरोना का कोई असर नहीं है? इसी तरीके से बंगाल और दीगर जगहों पर जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना का क्यों असर नहीं है? मांग क्या कर रहे हैं आप लोग ज्ञापन में, क्या आप लोग आए हैं मांगने? मांग हमारी ये है, मैं अभी नमाज में कितने लोग आप चाहते हैं जी? नमाज में कितने लोग आप चाहते हैं जी? मैं बता रहा हूँ आपको, क्या मांग है? सिर्फ मस्जिदों में कोरोना का कावड़ क्यों है, जबकि वहाँ नमाजियों की एक सब दूसरी सबसे करीब 1.5 गज की दूरी पड़ती है और नमाज पाक और साफ होकर और वुजू करके नमाज अदा करते हैं। इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए आपसे गुजारिश है कि मस्जिदों में नमाज अदा करते वक्त किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना पेश आए, और इसी के साथ साथ रात का कर्फ्यू बजाय 11 बजे से 9 बजे से बढ़ाया जाए, 9 बजे से 11 बजे तक के लिए हटा दिया जाए, नाफिज ना किया जाए, ताकि नमाज तरावीह वक्त पर अदा की जा सके। ये सिर्फ शहर मुफ्ती ही की गुजारिश नहीं बल्कि आगरा के आम मुसलमानों, नमाजियों और तमाम मस्जिदों के इमामों की ख्वाहिश व फरमाइश है। ठीक ठीक है। शानू मोहम्मद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा से। हमारी मांग ये है कि जिस हम दिसंबर माह हैं, कल डीएम साहब ने तमाम खबर निकाली थी कि धार्मिक स्थल 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे शहर मुफ्ती साहब का भी ये कहना है कि 5 लोग ही क्यों पढ़ें? बसों में, ट्रेनों में, मेलों में, कल झूलेलाल मेला होकर सुबह में हजारों की भीड़ रही थी, क्या मस्जिद में ही कोरोना आ रहा है? ये मेले चल रहे हैं झूलेलाल जयंती, कल हमारा जो है 14 साहब व बाबा साहब का जो है जयंती भी है, उसमें भी परमिशन मिली हुई है, उसमें भी लाखों लोग होंगे, तो वहाँ कोरोना नहीं आएगा, केवल मस्जिद में ही कोरोना आएगा। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन अधिकारियों से,
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि हमारे शहर मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप नमाज पढ़िए पांचों वक्त की मस्जिद में ही और तरावी पढ़िए। तो हम ये ही गुजारिश करना है कि हमें जो है पाबंद न किया जाए। जो हमारे शहर मुफ्ती साहब का हुक्म होगा हम उन्हें जी शरीयत का जो है जो शहर मुफ्ती साहब का हुक्म है वही मानेंगे।